today we have with us Ruhan Kapoor, and he's going to discuss with me five of my favorite songs of his father Mahendra Kapoor. Hi, welcome to Sinistan. Thank you so much. So my first pick will be his first song from Navrang, Aadha Hai Chandrama. Aadha hai chandrama, raat aadhi. Aadha hai chandrama, raat aadhi. Reh na jaye teri meri baat aadhi, mulaqat aadhi. Aadha hai chandrama. That was the song he recorded first, and for a Vishantaram film, as a first song. So did he talk to you about that? That first break, you were singing with Asha Bhosle ji also in that song. Dharasal, actually, V. Shantaram ji ka jo pehle hi unhone gana kiya, wo uske music director the Anna, C. Ramchandra ji. And Navrang was a film, and it was very exciting for him, of course, because working with C. Ramchandra ji for the first time, and a very great composer, very big composer. एंड जब वो स्टूडियो गए और उन्होंने गाना शुरू किया माइक्रोफोन पे, तो वो आवाज़ जो थी वो वहाँ ठीक पहुँच नहीं रही थी मॉनिटर रूम में. देर इज़ अ सिंगर्स सेक्शन वेर द म्यूजिशंस एंड द सिंगर्स आर, एंड देर इज़ अ सेक्शन वेर द मॉनिटर रूम वेर द यू नो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स एंड द यूज़ टू सिट डाउन. तब ऐसे स्टूडियोज थे उस जमाने में. तो आपस में अन्ना और वी शांताराम जी बात कर रहे थे. दे वॉज टॉन्ग समथिंग इन मराठी. अब एक रिहर्सल हुई, टेक शुरू हुआ, दूसरा टेक शुरू हुआ, तो फिर अन्ना ने कुछ बोला, वी शांताराम जी को बोला कि कोई बात नहीं, हम बाद में करते हैं. केम एनी टोल आशा जी एंड के आशा था ही बाद में करेंगे. उसकी पहली रिकॉर्डिंग है महेंद्र की, घबरा गया वो. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं नहीं उसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही. कहती लेकिन मेरे बगल में खड़ा और गा रहा है. कहते वेन आई कैन हेयर हम सो वेल, आई कांट यू हेयर हम. तो इसे अच्छा, बट वहाँ तो आवाज़ ही नहीं आ रही. तो उन्होंने बोला कि फिर आप अपना टेक्निकल कुछ चेक कीजिए. अच्छा, अब ये इतने बड़े प्रोफेशनल स्टूडियोज़, एक तो वी शांताराम जी का अपना स्टूडियो राजकमल स्टूडियोज़. तो फिर देन दे वेंट अराउंड एंड चेक्ड, एंड देखा कि जो साउंड रिकॉर्डर्स का असिस्टेंट था उसने माइक्रोफोन का प्लग अच्छी तरह नहीं लगाया था. वो आधा बाहर था और आधा अंदर था. सो दे प्लग्ड इट प्रॉपरली और एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, और पहला टेक ओके हो गया उस गाने का. तो ये उनके पहले गाने का था. एंड ये आशा जी का जो कॉन्फिडेंस था, जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज ही सिंगिंग वेरी नाइस, ही सिंगिंग राइट नेक्स्ट टू मी, एंड आई कैन हेयर हम सो ब्यूटिफुली, आई कांट यू हेयर हम, आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम. उसके बाद ही सैंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स विद आशा भोसले. या आई थिंक हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्यूट्स हैव बीन विद आशा जी ओनली. व्हाट वाज देयर केमिस्ट्री लाइक यू नो इन द स्टूडियो, वो किस तरह से रिलेशन था उनका? देखिए उस जमाने में बड़ी आम तौर की भी बात थी कि आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी सब सिंगर्स की, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, देयर वाज अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, लॉट ऑफ अर्ज टू गिव बेटर वर्क was more than anything else in that time. तो आशा जी भी उसी नेचर की थी, और मेरे फादर के साथ बड़ी फ्रेंडली थी. उन्होंने हिंदी किया, उन्होंने गुजराती बहुत किए, मराठी बहुत किए, पंजाबी बहुत किए गाने मेरे फादर के साथ. तो उनका तो बहुत लंबा इनिंग्स मेरे फादर के साथ रहा है. सो पिक टू इज चलो एक बार फ्रॉम गुमराह. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों. दिस वॉज हिज फर्स्ट, महेंद्र कपूर जी फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड दैट ही गॉट वॉज फॉर दिस सॉन्ग. चलो एक बार फिर से. और उन्होंने बहुत सारे रोमांटिक गाने गाए, लेकिन इस गाने में बहुत पेन था, एक सेपरेशन का. बहुत खूबसूरत गाना था ये, और दरअसल डैडी की जो बीआर फिल्म्स के साथ जो बोलते हैं मेल हुआ था, वो इस गाने से नहीं, इससे बहुत पहले हो चुका था, धर्मपुत्र फिल्म से. धर्मपुत्र फिल्म वो फिल्म थी जिसमें यश चोपड़ा जी ने पहली बार अपनी डायरेक्शन शुरू की, द ग्रेट यश चोपड़ा. ही वॉज द यंग ब्रदर ऑफ बी आर चोपड़ा.
तो उन्होंने अपनी फिल्म डायरेक्शन का करियर वहाँ से शुरू किया. ही हैड उनकी ही हैड लाइक्ड डैड्स वॉइस इन वन ऑफ द रिकॉर्डिंग स्टूडियोज. ही हैड कम एंड ही हैड हर्ड. तो ही सेड आई फाउंड माय हीरोज वॉइस. तो तब राजेंद्र कुमार जी हीरो थे तो उनके लिए ही सैंग ऑल द सॉन्ग्स दैट. तो वो पहली फिल्म ही इतनी बड़ी हिट हो गई थी. उनके म्यूजिक डायरेक्टर थे एन दत्ता साहब उसकी तो बहुत बड़ी हिट हो गई थी. तो उसके बाद उन्होंने उनका एसोसिएशन बी आर फिल्म के साथ बहुत एक बोलते हैं ना एक आपस में म्यूचुअली लकी जिसे बोलते हैं वो शुरू हो गया था. तो उसी दरमियान जब ये फिल्म आई गुमराह साहिर साहब साहिर लुधियानवी साहब वॉज राइटिंग द सॉन्ग्स एंड रवि जी की म्यूजिक थी उसमें. तो ये गाना तो बहुत ही जिसे बोलते हैं ना इसकी कई तर्जें बनी जो रवि अंकल ने मुझे भी रिसेंटली सुनाई बात. कहते हैं रोहन जी कितनी तर्जें मैंने बनाई है इसकी. तो कुछ 30-40 तर्जों के म्यूजिक का मतलब कॉम्पोजिशंस जिसे कहते हैं इंग्लिश में कॉम्पोजिशंस के बाद 30-40 कॉम्पोजिशंस आई टू कंपोज बिफोर चोपड़ा साहब ओकेड दिस सॉन्ग. एंड कहते देन दे रिहर्स्ड इट सो फ्रीक्वेंटली. इतनी रिहर्सल्स हुई इसकी और बाय द टाइम डैड रीच द माइक्रोफोन इट वॉज ऑलरेडी बाय हार्ट टू हिम. And he loved the song so much. It was one of his own favorite songs. So, उन्होंने बताते हैं कि हम I think barely एक या दो टेक के अंदर ओके हो गया था पूरा गाना जो था. It was तो normally कई retakes होते थे. आम तौर पे गानों के बहुत retakes हुआ करते थे because कोई भी गलती किसी भी musician ने की हो छोटी सी चाहे हो गाना शुरू से आपको लेना पड़ता था. उस जमाने में आप कहीं insert नहीं कर सकते थे कहीं आप वो प्लग इन प्लग आउट और ऑटो ट्यून और वो सब कुछ नहीं था उस जमाने में. तो इट वाज ऑल ऑन द यू नो टेप एंड सब कुछ शुरू से एंड तक. तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग वन ऑफ हिज ओन फेवरेट्स एंड आई थिंक साहिर साहब का अपना बहुत बड़ा फेवरेट था. साहिर लुधियानवी साहब का हिज ऑल टाइम ग्रेटेस्ट सॉन्ग वॉज चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों. तो I think it was very fortunate that my dad got a chance to sing that song. You used to travel with him for concerts. You started performing with him also at a very young age. जी. तो जैसे कि ये गाना एक बहुत ही popular होगा जो वो गाते होंगे. जी. और कोई किस्से हैं जब आप साथ में travel करते थे and used to travel with him, perform with him that you can share. किस्से. हाँ. एक ऐसा है आपके लिए बहुत इट्स लाइक मैम एक आई थिंक आई मस्ट हैव ट्रैवल्ड फॉर अबाउट 2.5 to 3 डिकेड्स. अब उसमें मुझे एक किस्सा ढूंढना मुश्किल बट आई विल टेल यू इन नटशेल. वी फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई वाज ट्रैवलिंग विद हिम. आई स्टार्टेड सिंगिंग व्हेन आई वाज ओनली अबाउट 13-14 आई वाज एंड दैट टू इन साउथ अफ्रीका for the first time. And stage par us zamane mein daddy mujhe apne gaane nahi gawate the aur singers ke gaane bolte the gaane ko. To tab maine Mukesh ji ki tab nayi nayi film aayi thi Kabhi Kabhi. To maine us film ke gaane gaaye Mukesh ji ke and he should be very happy because Mukesh ji and he shared a very beautiful rapport. Mukesh ji was a lovely human being as everybody knows and डैड एंड मुकेश जी हैड बहुत प्यार था बहुत आपस में वो था. एंड अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी फ्लू बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका वी केम बैक तो कस्टम्स ऑफिसर सब आए डैडी को देखा तो सब आके उनको मिलने लगे और बड़े उदास से थे. तो डैड सेड क्या हुआ आप लोग इतने उदास क्यों लग रहे हैं यार मैं लौट कर आया हूँ अच्छे शोज करके आया हूँ कंट्री से क्या बात. कहा नहीं महेंद्र जी आप दिल थाम के रखिए आपको हम बहुत बुरी खबर सुनाने वाले हैं. डैड बोले पता नहीं कैसी खबर सुनाने वाले हैं क्या है मतलब हुआ क्या बताइए तो सही. कहते मुकेश जी इज़ नो मोर एंड डैड कुड नॉट बिलीव. कहता यू मस्ट बी मिस्टेकन कोई और होगा. मुकेश जी को तो मैं मिला हूँ वी वर रिकॉर्डिंग टुगेदर बिफोर आई लेफ्ट ही वॉज हेल एंड हार्टी. कहते नहीं ही वेंट विद लता जी टू अमेरिका ही गॉट अटैक देयर ही पास्ड अवे एंड हिज बॉडी इज़ गोइंग टू कम टुमारो मॉर्निंग. तो वो तो एकदम अनबिलीवेबली डिस्टर्ब्ड. तो ऐसा प्यार था उस ज़माने में लोगों का. और मुकेश जी हम लोग जब गए साउथ अफ्रीका तो इस टाइम वो अचानक
समागम बना वो, बिकॉज सेंटर से वो आया था, इट वॉज फॉर महात्मा गांधी जीज देर फैमिली दैट वी हैड एक्चुअली गॉन देयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इस टाइम पर डैड मुकेश जी से बात नहीं कर पाए थे कि मैं जा रहा हूँ. तो मुकेश जी का फ़ोन आया एंड ही स्पोक टू माई अंकल, क्या महेंद्र ने मुझे फ़ोन भी नहीं किया, हाउ कुड ही गो विदाउट कॉलिंग मी, बोलना उसको, मुकेश बहुत खफा है उससे. इतना इतना आपस में प्यार था. एंड बस बोलते ना लोग चले जाते हैं, यादें ही रह जाती हैं सब. बट डैड वॉज वेरी इंकरेजिंग ऑन द स्टेज. ही वॉज एज फार एज स्टेज गोज, एज आपने कहा कि आपने सैकड़ों शोज किए, प्रॉब्ली आई मे हैव डन थाउजेंड्स शोज विद देम, बट एंड आई हैव सीन विद ड्यू रिस्पेक्ट्स लॉट ऑफ सिंगर्स ऑन द स्टेज, बट देर वॉज देर कुड बी नो बडी टू टच महेंद्र कपूर ऑन स्टेज इफ ही वॉज गिवन अ फ्री हैंड. ही वॉज लाइक अ लायन ऑन द स्टेज. पीपल शुड ड्रेड टू डू शोज विद देम बिकॉज ऑफ दैट. द सेम फर्स्ट ऑफ ऑल हिज वॉइस वॉज गॉड सो ब्यूटिफुली गिवन दैट ही हैड नो, मतलब वो जहाँ उन्होंने सोचना वहाँ तक आवाज़ चली जाती थी उनकी, ऐसी उनको उस मालिक की देन थी. एंड दैट इज टू बी लव्ड. और ऐसी मेमोरी सुपर्णा जी कि अगर उन्हें मालूम पड़ जाए किसी ने इस फरमाइश की कि तेलुगु गाना गाइए तमिल, अगर उनको याद हो थोड़ा, ही यूज टू सिंग बाई हार्ट. ही हैड नेवर इन हिज लाइफ टेकन अ बुक एंड संग अ सॉन्ग, नेवर. बहुत कोई मुश्किल हुआ गाना और पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हों और बड़ा सीरियस माहौल हो, तब वो बोलते थे हाँ स्क्रिप्ट रख दो और वो उस पर रख दो स्टैंड पे, अदरवाइज नेवर, ही नेवर नीडेड टू. इतनी फरमाइशें आती थी आफ्टर सिंगिंग थाउजेंड ऑफ सॉन्ग्स. कोई अद्भुत किस्म की फिल्म की, कोई ऐसी छोटी सी फिल्म की कहीं एक गाना जो कभी किसी को याद भी, उनको खुद को याद ना हो, वो फरमाइश आती थी, वो भी उनको गाना याद होता था. यू स्टिल रिमेंबर इट वॉज लाइक दैट. ही हैड अ वेरी शार्प मेमोरी. तो ही वॉज वेरी गुड, ही वॉज वेरी क्राफ्ट्समैन ऑन द स्टेज. तो उनके साथ इतना काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला. इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस विद देम ऑन स्टेज. So let's talk about the third song. Pick 3 is Tum Agar Saath Dene Ka from Hamraaz. Tum agar saath dene ka vaada karo, main yun hi mast nagme lutata rahun. Kitna romantic gana hai. Yeah. Aur is film ke sare hi gaane bahut acche the aur hits the. Ji. तो इस एल्बम के क्रिएशन के बारे में या रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं? जब फिल्म रिलीज हुई तो डैडी सुनाते हैं कि जिस भी दुकान में उन्होंने जाना, तो वहाँ तक उस जमाने में रेडियोग्राम चलते थे, तो हर दुकान में कहीं ना कहीं रेडियो लगा रहता था जो सबसे पॉपुलर, लाइक जो भी उस जमाने में, तब तो एम ही था, तो बिना का गीतमाला या जो भी चलते रहे. तो कहते मैं जिस दुकान में अपनी, कहते मैं आपकी मम्मी को, मुझे सुनाते हैं आपकी मम्मी को मैं लेकर जाता था, तब वो उन्होंने बोला नहीं ये यहाँ पर वो चीज़ मिली नहीं तो हम अगली दुकान पे चलते हैं, वहाँ नहीं मिली तो वहाँ दुख चलते हैं. तो जिस भी दुकान में हम जाते थे तो कहते मैंने देखा यार वही गाना, उसी फिल्म के गाने बज रहे हैं. तो फिर मैंने अपनी कहते वाइफ से कहा कि ये ज़रूर बहुत बड़ा म्यूज़िकल हिट होगा ये फिल्म, बिकॉज द फिल्म हैड जस्ट रिलीज देन हमराज. ये हकीकत है कि वो बहुत बड़ी म्यूज़िकल हिट थी, दोनों गुमराह हमराज दोनों ही, दोनों बोथ द फिल्म्स वर अप्रिशिएटेड लॉट बिकॉज ऑफ म्यूज़िक. तो बड़ी खुशी हुई उसमें. और जब इसका प्रीमियर हुआ फिल्म का, अब प्रीमियर वाज आई डोंट नो आज की जनरेशन को प्रीमियर मालूम भी है कि नहीं, जब फिल्म रिलीज़ होती थी तो बहुत बड़े फैनफेयर के साथ फिल्म रिलीज़ होती थी. उसमें बहुत से जितने एमिनेंट आर्टिस्ट थे फिल्म में काम कर रहे हैं दे यूज़ टू कम, और उसके अलावा जितने पॉपुलर एक्टर्स थे जो उस प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए थे वो भी आते थे वहाँ पर. तो एंड इट वाज अ रेड कारपेट, लाइक जैसे अभी वहाँ पर ऑस्कर वगैरह में होता है ऐसे रेड कारपेट दिया था, फूल लोग फेंकते थे. इट वाज सिनेमाटोग्राफ्ड कि भाई क्या हो रहा है, क्या मेजर इवेंट इट वाज. तो जब ये फिल्म का प्रीमियर हुआ तो ट्रेडिशन ये था कि जब लोग वापस जाते थे तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हीरो हीरोइन जो भी मेन स्टार कास्ट थी वो साथ में खड़ी होती थी टू विश द पीपल थैंक यू फॉर कमिंग एंड देश से बहुत अच्छा लगा यू वॉट एवर देयर कमेंट्स वर. अब डैड एंड दत्त साहब वॉर स्टैंडिंग साइड बाय साइड, सुनील दत्त जी एंड डैड. तो सब आए जी बहुत अच्छी, क्या बात, क्या म्यूज़िक है, क्या ये है, ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, जो दत्त साहब आपने बहुत अच्छा काम किया इधर.
थैंक यू कहते यार डैड एंड दैट्स सम वेरी वेरी क्लोज पैल्स. तो जी हाँ जी पाजी बोला यार अगली बार मुझे पूछ लिया करना कि कितना लंबा आलाप नमो छुपा के जियो जो गाना था उसका आलाप जो था इतना लंबा था. कहते आई वंडर हाउ यू सैंग इट हैट्स ऑफ टू यू. मुझे मुंह खुला रखने में इतनी दिक्कत हुई तो तुम्हें गाने में दिक्कत नहीं हुई. तो बड़े हंसते थे वो. इट वॉज इज ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग नमो छुपा के जियो न सर झुका के जियो एंड ब्यूटिफुली रिटन बाई साहिर साहब अगेन कम्पोज बाई रवि जी. तो उसी टीम का एक बहुत खूबसूरत गाना था. वो इतने अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स गाए हैं उन्होंने जी. वो थे रोमांटिक मिजाज के थे वो खुद. अरे आई एम टेलिंग यू वो अक्सर मुझे कहा करते थे कि रोहन आप सुनो. कहते लोग मुझे पेट्रियोटिक पेट्रियोटिक कहते हैं. मेरे कुल 5 पेट्रियोटिक गाने हिट हुए हैं लाइफ में. ज़्यादा तो मेरे रोमांटिक गाने हैं जो उन्हें बहुत प्रिय थे. कहते हैं यार मुझसे पेट्रियोटिक गवाते रहते हैं ये लोग. कहते कहा देशभक्ति आप में ज़्यादा होगी इसलिए ज़्यादा आपसे गवाते हैं. ऐसे थे वो बोथ वेज. ही लव रोमांटिक सॉन्ग्स ऑल्सो. ही सैंग अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल रोमांटिक सॉन्ग्स राइट फ्रॉम आप धर्मपुत्र के गाने भी देख लीजिए. कौन भूल सकता है भला कौन ये प्यारी आँखें या अपन के बहुत अनगिनत रोमांटिक गाने उन्होंने गाए हैं. जो लता जी के साथ ड्यूएट्स बहुत गाए हैं. आशा जी के साथ बहुत ड्यूएट्स गाए हैं. सी रोमांटिक बहुत सिंगर्स थे उस ज़माने में भी. रफ़ी साहब भी बहुत गाते थे. मुकेश जी थे किशोरदा बाद में आए ये सब लोग आए. लेकिन जो उनकी आवाज़ बनी थी पेट्रियाटिक के लिए जो धार थी उनकी आवाज़ में वो शायद ही किसी सिंगर की थी. ये बात सब कहते हैं कि बिकॉज एक जज्बा था. एंड दिस नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द लेटर फिल्म जैसे उपकार वगैरह कहते हैं. आप शहीद देख लीजिए जो शहीद मनोज कुमार जी ने बनाई थी या जिसमें वो काम कर रहे थे. अब डायरेक्शन भी उन्हीं की थी एक्चुअली. तो इट वॉज फंटेस्टिक. जो वो रंग दे बसंती चोला है आज तक आप वो गाई है कहीं किसी के सामने और जो जोश खड़ा होता है लोगों के अंदर और जो एक बुलंद आवाज़ में जो आवा वो एक अलग ही. तो उनका वहीं से एक शुरू हो गया था सफ़र पेट्रियोटिक उसका जज्बे का. और वहीं मनोज जी ने डिसाइड किया था कि मैं महेंद्र जी आपसे ही गाने गवाऊँगा अपनी अगली फिल्म के. तो फिर अगले गाने के ऊपर आते हैं. हाँ जी. विच इज़ फ्रॉम उपकार. ओके. मेरे देश की धरती. अच्छा. मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती. मेरे देश की धरती. मेरे देश की धरती. तो ऑब्वियसली उनका जो एसोसिएशन था मनोज हाँ जी के साथ. हाँ जी. और ये सारे जो हिट गाने थे हम अभी बात कर रहे थे. व्हाट काइंड ऑफ अ रैपो डिड ही शेयर विद मनोज जी. सी ही एज एन एक्टर जब मनोज जी एक्टर थे महज तो उसमें तो बहुत से गाने गाए उन्होंने डैडी ने उनके लिए. लेकिन जब उन्होंने शहीद के लिए गाया उनके लिए मेरा रंग दे बसंती चोला और तो तब मनोज जी ने डैडी को कह दिया था कि महेंद्र जी आप मेरी आवाज़ बनेंगे. मैं जो खुद डायरेक्ट करूँगा फिल्म उसमें आप मेरे लिए गाएंगे. मैंने कहा ठीक है. तो उपकार वॉज इज फर्स्ट वेंचर एंड मेरे देश की धरती उन्होंने गवाया. अब मनोज जी इतने फंसी इतने वो बोलते हैं ना दैट मैन नोज वॉट ही वॉन्टेड. डैड सुनाते हैं उनको बहुत तबीयत ख़राब थी उनकी बहुत हाई फीवर था उनको. और आज शाम के गए और बारिश के दिन थे. अब जो बारिश शुरू हुई बाहर और पानी मतलब ऑलमोस्ट सबके यहाँ तक आ गया था. लेकिन अंदर स्टूडियो में काम चलता रहा तो पूरी रात रिकॉर्डिंग चलती रही. अगला दिन पूरा दिन दोपहर के बाद डैड केम बैक टू द हाउस. तो माई मदर वॉज़ वेरी पैनिक. उस ज़माने में कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह तो थे नहीं जो कि पता चले. एंड स्टूडियोज़ में यू कुड नॉट कॉल टू ऑफन बिकॉज बेअदबी लगती थी वो बात. तो डैड सुनाते हैं कि बहुत मनोज जी ने बहुत चेंजेस किए सेट के ऊपर. गाने में बहुत इम्प्रूवमेंट लेकर आए. पहले गाना जो गुलशन बावरा जी ने लिखा था वो ये लिखा था कि इस देश की धरती. सेट के ऊपर जाकर मनोज जी ने उसे मेरी देश की धरती किया. पहले ये गाना था कव्वाली नुमा. अच्छा. उसे मिट्टी से जोड़ने के लिए उसकी अलग फ्लेवर लाने के लिए सब पूरी जितनी जदोजहद कल्याण जी आनंद जी अंकल सब ये मनोज जी गुलशन बावरा जी डैड दे ऑल गॉट टुगेदर एंड दे ऑल वर्क्ड हार्ड एंड अल्टीमेटली देन दिस सॉन्ग केम आउट फ्रॉम देयर.
But then they got satisfied. Unki koi aise habits thi as a singer ya fir jo wo karte the jaise ki unke riyaz ka time ya fir unhe kaun se time gana zyada pasand hota tha ya record karna pasand hota tha as a singer kuch habits thi unki dekhiye riyaz ka jahan tak taluq hai us zamane mein sab singers itne diggaj singers the itne mahan singers the कि हम मैं क्या बताऊं आपको सुबह हमने उठना 6:30 बजे जब तैयार होना शुरू होना स्कूल जाने के लिए तो उनका रियाज चालू था हम शाम को 6:30 बजे स्कूल से वापस आते थे तब भी उनका रियाज चालू था इफ इट वाज लाइक हैविंग सम प्रैक्टिस और सम गुरु और सम कंपोजर और समथिंग एट होम और ही वाज इन द स्टूडियो तो इसके अलावा कुछ था उनकी ज़िंदगी में और कुछ था नहीं उनकी जो आउटिंग थी वो जब शोज़ में जाते थे वो कहते मेरी आउटिंग है He passionately loved his work. He was very, very passionate about his work. Work is worship. इन लोगों को देखकर ये समझ में आया कि actually work is worship का अर्थ क्या होता है. इन्होंने या इनके उस्ताद रफ़ी साहब उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन सा प्रोड्यूसर कितना पैसा दे रहा है कौन सा प्रोड्यूसर कितना कब इन्होंने पूछा तक भी नहीं. ये बहुत later 80s 70s में जाकर ये ट्रेंड आना शुरू हुआ कि जी इतने पैसे लेंगे और बस ये ध्यान था ये कौन से राग पर बेस्ड है ये कैसे गाया जाए इसे और बेहतरीन कैसे किया जाए इसे और बेहतरीन कैसे किया जाए यहाँ तक कि लता जी अब उस लेडी की क्या महानता कि ऑलरेडी सच अ ग्रेट सिंगर इतना नॉलेज उस लेडी को उसके महाराज सरस्वती कहते हैं सब लोग उसके बावजूद उनका हमेशा यही था कि हाउ आई कैन इम्प्रूव नहीं इस ये मुझे मज़ा नहीं आ रहा ये गाकर इसे और इम्प्रूव करना है कंपोज़र के पीछे पड़ जाते टेक अ ब्रेक और इम्प्रूव करेंगे इसको शी शुड कॉल द सॉन्ग वॉयलिन प्रभाकर जी वगैरह होते जोग साहब प्रभाकर जी सब जोग साहब आइए मुझे बताइए ना क्या क्या करें मैं कौन सी जगह लेकर आऊँ मैं मुझे मज़ा नहीं आ रहा अभी तक सो दे ऑल शुड बी वेरी लाइक सब लोग अपने टोज पे जैसे आप आर्मी में जाते हैं तो वॉर तो रीटेक कोई होती नहीं है इसी तरह वहाँ भी ऐसा आलम था कि मतलब आपने आपकी वजह से रीटेक हुआ तो बदनामी थी आपकी तो बात फैल जाती थी यार ये म्यूजिशियन पक्का नहीं है ये रीटेक वाला म्यूजिशियन है बार बार इसके कारण टेक दोबारा लेना पड़ता है तो चाहे आपका 5 सेकंड का पीस हो या 5 मिनट का गाना हो यू हैड टू बी एक्सट्रीमली अलर्ट इन दैट सॉन्ग तो ये अलर्टनेस ये इन लोगों में वो था तो इनका जो गाने बजाने का जज्बा था वो 24/7 वाला था वो इसमें कोई टाइमिंग आप बोलो कि रात को 2 बजे भी बैठे हैं तो भी बैठ जाएंगे अब कई मैं नॉट किडिंग कई इनके जो अच्छे अच्छे क्लासिकल म्यूजिशन आते लेट नाइट में आते डैड के साथ और बैठे रहते थे पूरी 3-3, 4-4 बजे तक सुबह मैं इसी यहीं पर बैठे हुए ऐसे जो दीवान होती थी और जब बैठे हैं तो बैठे हैं पर घंटों फिर कोई कभी वो मम्मी ने आके चिल्लाना कि भाई आपको रियलाइज हो रहा है क्या टाइम हो गया तो ठीक है अदरवाइज उनको नहीं मालूम पड़ता था पिक 5 वुड बी हर दिल जो प्यार करेगा फ्रॉम संगम हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना ये गाना पिक करने का मेरा एक स्पेशल रीजन है क्योंकि मुकेश जी और यू नो महेंद्र कपूर जी ने साथ में ये गाना गाया था इससे पहले राज कपूर जी के साथ काम हो नहीं पाया था हाँ उतना हाँ वैसा नहीं हुआ जी जी तो एक कहानी है शायद कि वो रशिया में मिले थे और वहाँ से किस तरह से इट लेड टू यू नो हिम सिंगिंग दिस सॉन्ग तो क्या आप ठीक से बता सकते हैं कि जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें गाने में बताया था कि वो स्टेज पर My father was a dynamite. He was a terror on the stage. Yeah. In fact, a lion on the stage. He was actually. Raj Sahib was worshipped like God in Russia. He was loved by everyone in Russia very much. अब राज कपूर जी को वहाँ पर बुलाया गया and राज बहुत बड़ा शो था तो राज साहब performed and he went to the backstage to have a cup of tea. And suddenly heard a lot of ovation, a lot of this thing happening, noise from there. So he said, such response only Raj Sahib used to get over there. he came back to the wigs.
आकर देखा कि डैड वहाँ परफॉर्म कर रहे थे. सो डैड की हैबिट एज आई टोल्ड यू ही वाज वेरी शार्प इन हिज सिंग. ही वहाँ पर नीले गन के तले हमारा इसका बहुत पॉपुलर था रशिया में. तो उन्होंने उसका पूरा तर्जुमा रशियन में करके पूरा गाना रशियन में गाया. तो वहाँ जो यंगस्टर्स थे वो तो पागल हो गए थे, वो तो दे वेंट क्रेजी. तो राज साहब बैठे बैठे इन द बैक स्टेज ही वाज एंजॉयिंग अ लॉट. सो बिफोर डैड कुड इवन लाइक एनीवन कुड अनाउंस हिज नेम ही केम हिमसेल्फ ऑन द स्टेज एंड ही केम एंड हग डैड. डैड टच्ड हिज फीट. बहुत बड़े थे डैड से. तो माइक्रोफोन लेकर कहते हैं देखो जी मैं अंदर खड़ा यही सोच रहा था कि राज कपूर की जितनी ताली और कौन ले सकता है. तो मुझे ये खुशी हुई कि एक कपूर ही कपूर को मात दे सकता है. तो फिर बहुत प्यार हुआ. फिर आपस में उन्होंने देन ही टोल्ड डैड कि आई एम गोइंग टू सिंग 1-2 सॉन्ग्स. तो महेंद्र आप ही मेरे लिए हारमोनियम बजाइए. मैं मुझे भजन बजाना ऐसा नहीं. पापा जी आप गाओ मैं बजाता हूँ आपके साथ. तो उसके बाद देन देयर टू गो टू दिस वाज आई थिंक इन ताशकंद. देन देयर टू गो टू मॉस्को एंड टू थ्री अदर प्लेसेस. तो राज साहब अमंग्स द एंटायर ग्रुप यू शुड टेल मैं मेरी सीट के बगल में महेंद्र जी बैठेंगे और कोई नहीं बैठेगा. मैं बढ़िया. तो डैड एंड राज साहब हैड बिकम लाइक अ जोड़ी. सो दे यूज्ड टू बी टुगेदर ऑलवेज एंड राज साहब यूज्ड टू मेक श्योर दैट डैड सिट्स नेक्स्ट टू हिम इन द प्लेन. आजा आजा महेंद्र मेरे नाल भेजा. तो डैडी को उन्होंने कहा कि देख महेंद्र मैं तुम्हें मेरी आवाज़ तो ज़्यादातर हमेशा मुकेश रही है. सर ऑफकोर्स आई नो दैट. तो लेकिन मेरी फिल्म में दूसरा कोई भी हीरो रहा तो ये मेरा वादा है कि महेंद्र तुम ही गाओगे मेरे लिए. तो उन्होंने कहा पाजी आप इधर बोल रहे हो बॉम्बे जाके आप भूल जाओगे. ऐसे मजाक में डैड ने कहा. तो ये वो स्मोकिंग अपनी सिगरेट लेकर उन्होंने अपने बट मारा. डैड ने कहा क्या करें बाबा जी. तो नहीं नहीं करने दो मुझे ये निशान मुझे याद दिलाएगा कि मैंने महेंद्र को एक वादा किया है. उन्होंने कहा तो ये राज कपूर है राज कपूर का वादा है. आते ही फिर उन्होंने संगम में अच्छी मेरा नाम जोकर में भी एक गाना था उनका. But that's what I heard. Then after that, due to the length of the film, they had to cut that part of that film only. Oh, okay. For Manoj ji or for somebody, it was there. There was a song in the film also. So he was very fond of my father. Though they worked very little, lekin Raj Kapoor, I think unke baare mein to jitna bola jaye utna kam hai. He was an encyclopedia by himself. Extremely loving and extremely warm person. Very nice person. Aur unko music ka khud ko bhi. Arre, ज़बरदस्त शौक, ज़बरदस्त नॉलेज, शौक. और उनको ही न्यू के मैं जो म्यूजिक डायरेक्टर से लूँगा कैसे लूँगा. लता जी से जो उन्होंने गवाया है शायद ही लता जी ने किसी और के लिए गाया हो. आप नोट कीजिए लता जी ने जो गाने गाए राज साहब के लिए. देखिए डायरेक्टर का सबसे बड़ा काम है ही वॉज अ वेरी फाइन एक्टर वेरी फाइन एवरीथिंग बट एज ए डायरेक्टर ही न्यू हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द आर्टिस्ट. That was a very, very, very big plus point. जो अभी आप बता रहे थे जैसे कि मुकेश जी आवाज थे राज कपूर जी के और जिस तरह से योर फादर वाज आल्सो वॉइस फॉर मनोज जी दिलीप शामन में तो वो एक बहुत उस टाइम पे ये होता था कि एक आवाज मतलब एक जोड़ी जोड़ियां बन जाती थी या कोलैबोरेशंस बन जाते थे और वो रहते थे सालों वो रहते थे. पर्सनल लेवल पे उनका कैसा रिलेशनशिप था जैसे मनोज जी के साथ दत्त साहब के साथ सबके साथ ही अच्छा था उनका. बल्कि उनका नेचर ही ऐसा था डैड का. ही वाज अ वेरी लविंग पर्सन. तो आई थिंक प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ हिज नेचर एवरीबडी लव्ड हिम वेरी मच. दत्त साहब के साथ उन्होंने उनका दत्त साहब की एक टीम थी अजंता आर्ट्स जिसमें वो अक्सर आर्मी के लिए बहुत कुछ किया करते थे. यू शुड गो फ्रंट एरियाज तो बहुत लोग हिचकी जाते थे बहुत लोग बहाने मार लेते थे. लेकिन डैड को उन्होंने जब भी बोलना तो डैड वाज एवर रेडी टू गो विद हिम. तो आर्मी एरिया में फ्रंट एरियाज में जाकर परफॉर्म करना टैंक्स पे खड़े होकर परफॉर्म करना जब वॉर हो रही थी तब परफॉर्म करना फ्रंट एरियाज में जाके आर्मी में इनक्रेज करना सोल्जर्स को ये दत्त साहब के साथ बहुत किया रेडी ने. फिर मनोज जी के साथ तो ऐतिहासिक शास्त्री जी के मनोज जी वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय लाल बहादुर शास्त्री एंड द फिल्म उपकार केम फ्रॉम हिज जो वो उनका लोगो था जय जवान जय किसान. तो वहीं से उन्होंने प्रभावित होकर ये फिल्म बनाई थी. एंड तो डैड के साथ इन लोगों का घर पे आना हमारा उनके घर पे जाना बहुत
Manoj ji's two children, Vishal and Kunal, have been, we have all grown up together. And Dilip Saab ki family is like family for us. So it was a very different type of a very harmonious family sort of thing also. It had become gradually because itna kaam kiya saath mein. To aana jana uthna baithna to then aisa ek us zamane mein family values were a lot to family wala pyar ho hi jata tha us zamane mein. ऐसे कभी होता था कि यू नो महेंद्र जी की आवाज ठीक नहीं है या फिर बीमार हैं फिर भी वो जाके जैसे आप अभी कह रहे थे कि यू वुड ऑलवेज गो टू द फ्रंट एंड परफॉर्म फॉर या वो तो आप देखिए इसका उल्टा आप देखिए बल्कि आई वुड से यू एज यू राइटली सेड कि थका हुआ नॉर्मली हम लोग क्या है बहुत से आर्टिस्ट आजकल हम सुनते हैं और जी बड़ा वो आराम करके फिर हम रिकॉर्डिंग पर गए उनका उल्टा था हम जब छोटे थे तो माय मदर यूज्ड टू ऑलवेज टेक अस टू महाबलेश्वर फॉर द समर वेकेशन तो थोड़े दिन डैड भी आते थे वहाँ पर अब वहाँ भी उनका तबलची और उनका वो सब साथ में होता था उनके ही वॉज लाइक दे वर ऑलवेज इन कुछ गजलें कुछ ना कुछ चलता ही रहता था उनका तो वहाँ पर फ़ोन आया तो दौड़ा जी उनका असिस्टेंट जाकर उन्होंने फ़ोन लिया कि लक्ष्मी जी का फ़ोन आया या नीयर साहब का फ़ोन आया कि महेंद्र बहुत अर्जेंट है जी बेटा उसका गाना है आ जा तू बॉम्बे आ जा तो बोला कब है बाबा जी कल सुबह अरे कल सुबह कैसे आऊँगा महाबलेश्वर से आते आते 7-8 घंटे लगते थे उस ज़माने में ड्राइव करते करते नहीं 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 बेटा कल की रिकॉर्डिंग फिर शूटिंग है उनकी तो गाना करना है तो डैड यूज़ टू ड्राइव डाउन हिमसेल्फ दो 6-7 आवर्स यूज़ टू ड्राइव डाउन कम टू द स्टूडियो लर्न द सॉन्ग सिंग द सॉन्ग तो करके दोबारा गाड़ी लेकर वापस महाबलेश्वर पहुँच जाते थे तो इतने हिम्मती थे वो इतने वो उनमें वो था बहुत कम हुआ होगा कि शायद हुआ भी होगा लेकिन बहुत कम हुआ कि वो बीमार थे और उन्होंने कैंसिल की रिकॉर्डिंग या कुछ ही नेवर ऐसा कभी उनके साथ हुआ नहीं ओके टू एंड द शो अभी जो हमने 5 गानों के बारे में स्पेशली बात की थी इफ यू वुड लाइक टू सिंग एंड डेडिकेट समथिंग टू योर फादर ऑन हिज 10th death anniversary. I'll sing this song of Dad, a little bit, few lines of the song. तुम गए साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं तुम गए साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं थैंक यू सो मच रोहन थैंक यू सो मच सुपर्णा जी थैंक यू सो मच प्रेस द बेल आइकन एंड मेक श्योर यू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम cinestan.com